नमस्कार सभी लोगों को। क्या हाल चाल? सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं? नहीं स्वस्थ हैं तो हमने आपको पहले भी बताया था, आप योग को ज्वाइन करें और योग करें, क्योंकि योग से ही सभी रोग जो होंगे वो दूर होंगे आपके। तो उस पर लिखा है कि डी एस योगा सेंटर का मतलब यह है कि यहाँ पर एक ऐसा सेंटर जहाँ पर योगा कराया जाता है। आप इससे जुड़े हैं, इसका मोबाइल नंबर 8127227284। और जब योग करके आप पढ़ाई करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो IQ लेवल है वो और बढ़ जाएगा। और योग सभी चीज़ों में आपके लिए फायदेमंद है, आपके सेहत के लिए है, आपके माइंड के लिए है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है माइंड की तो उसके लिए भी है, है ना? तो आप इसको नोट कर लें। और फिर आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की फिजिक्स पढ़ेंगे आज हम। और क्लास टेंथ की फिजिक्स में जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारी क्लास टेंथ की फिजिक्स है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर क्लास टेंथ की फिजिक्स के थोड़े से न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं तो उसको बता दीजिए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, एक टेंथ में भी वीडियो बना देते हैं। तो क्या है क्लास टेंथ की फिजिक्स है? इस चैप्टर का नाम आपका है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में आपको अगर मैं बता दूँ तो इसे कहते हैं विद्युत। क्या कहते हैं इसे? कहते हैं विद्युत। और बहुत आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर क्लास टेंथ में इसी को माना जाता है हमारे नजरिए से। आपके नजरिए से तो होता तो आप पूछते ही नहीं। चलिए ठीक है, इसके पहले आप कुछ फार्मूले नोट कर लें। फार्मूला जो है फार्मूलाज मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले यहाँ पर हैं, उसको नोट कर लें, लर्न कर लें तो सारे क्वेश्चन अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला जो फार्मूला आपका है वो आपका इस प्रकार से है, वो आपका एक आता है Q = ne। Q आपका क्या है? यहाँ पे चार्ज है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? E तो आपका इलेक्ट्रॉन है। E क्या है कि E आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है E क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कितना क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है? 1.6 × 10⁻¹⁹, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है ना। अरे भाई E का मतलब है कि, चलिए लिख देते ना यहाँ पे कि E जो है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? E है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप समझ गए नहीं समझ गए? Q चार्ज है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है? आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, वो तो आपको पता होना चाहिए, 1.6 × 10⁻¹⁹। एक फार्मूला और है, चलिए इसे नोट करें। नोट कर लिया आपने हमें लगता है। एक और फार्मूला है वो भी इसी प्रकार का, Q = IT। Q यहाँ पे भी क्या है? आपका चार्ज है। और I यहाँ पे क्या है? I आपकी धारा है। और T क्या है? समय है। अगर हम ऐसे बोल दें कि Q क्या है? चार्ज है, I करंट और T टाइम है, ठीक है? तो एक दो फार्मूले आपके हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके, Q = IT, Q = NE। और अगर इक्वल कर दें दोनों को तो IT = NE। और एक आपको पढ़ना है V = W/Q। V आपका क्या है? पोटेंशियल है, मतलब कि विभवांतर है। और W क्या है? वर्क है। और Q क्या है? चार्ज है। इसको आप ऐसे भी लिख लें E/Q, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं कि सर यहाँ पे एनर्जी पूछा था तो एनर्जी का तो कोई फार्मूला नहीं है। भाई जब भी आपसे कोई क्वेश्चन में एनर्जी पूछे तो आप उसमें सिर्फ वर्क का फार्मूला लगा के चले जाएं, और वर्क जो निकालेंगे वही आपकी एनर्जी हो जाएगी। क्योंकि एनर्जी के दो फॉर्म है, एक तो आप हीट के रूप में और एक वर्क के रूप में। तो आप वर्क करें या तो आप किसी को हीट दे दें, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स में इसे हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, जब थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर हम शुरू करने ही वाले हैं कुछ दिनों में। तो एक ये हो गया। एक आपने पढ़ा है समांतर क्रम संयोजन, है ना? समांतर क्रम संयोजन आपने नहीं पढ़ा, ये आपकी बुक हमारे पास में ही है। और कुछ फार्मूले इसमें छूटेंगे नहीं, V = W/Q मैंने लिख दिया है, आप उसे लिख लेंगे। और थोड़ा सा एक और भी है, वो भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओम्स का नियम है, है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में एक समांतर क्रम संयोजन है और एक आपका है श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या है? श्रेणी क्रम का मतलब यह है कि आपने बहुत सारे प्रतिरोध ले लिए
और उनको आपस में एक लाइन से जोड़ दिया। अरे भाई लाइन से कैसे जोड़ दिया, इसका मतलब झालर देखी है, हमने नहीं देखी है, किसी किसी घर में एक रेलिंग पे ऐसे करके झालर लगी होती बिल्कुल, है ना। तो वो जो होता है क्रम, वो उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम, जिसका लास्ट सिरा दूसरे के पहले सिरे से, दूसरे का लास्ट तीसरे के पहले से, इस प्रकार से ऐड कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है R इज इक्वल टू आर वन आर टू और डॉट 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 आर एन, मतलब कि और आगे जितने आप जोड़ सकते हैं, आप बहुत सारे तारों को आपस में जोड़ते चले जाएं, है ना। तो ये फार्मूला है टोटल का, आर टोटल का है, ये जो टोटल आपका रेजिस्टेंस निकलेगा श्रेणी क्रम में वो ऐसे निकलेगा। इधर लिख देता हूँ समांतर क्रम का भी, समांतर क्रम आज थोड़ा सा हम इसी पे चर्चा कर ले फार्मूले पे, फिर इसके बाद में हम लेक्चर बनाएंगे इस पे अच्छे से न्यूमेरिकल पे, फार्मूले पे चर्चा करेंगे, एक तो न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा जरूर आपको इसमें से। समांतर क्रम का क्या है बच्चों, समांतर क्रम में सेम ही है, बस इसमें करते क्या है कि वन अपॉन आर डैश कर देते हैं, वन अपॉन आर कर लीजिए, आर डैश मैं कह रहा था, आर डैश भी कर सकते जो आपकी इच्छा करती है, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू, है ना, और प्लस वन अपॉन आर थ्री डॉट 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 वन अपॉन आर एन, हो गया, ये आपका हो गया समांतर क्रम का। एक आपको ओम्स लॉ पढ़ना है, वो ओम का नियम है, ओम्स ओम नियम क्या कहता है आपका, ओम नियम कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, 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 कौन आई है, R आया ना, V इज इक्वल टू आई आर, भाई आई आर नहीं है वो, I यहाँ पे करंट है, आप तो तुरंत खुश हो जाते हैं कि I सर क्या I, तो V इज इक्वल टू आई आर, तो प्रश्न होने की आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन इसके बहुत आसानी से लगेंगे अगर आपसे लर्न कर लेंगे ना। चलिए फिर शुरू करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन उठा लेते हैं सीधे, आपके एनसीईआरटी का ही है, और एनसीईआरटी कोशिश करूंगा कि मैं सारी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही कराए जाएं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे भी आपको बताया जाए। चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, आपके पास 2 सेकंड का समय है, 1 और 2 सेकंड आपके खत्म, समय पे समय पे समय पे सभी कामों को करें, वरना समय उन कामों को कर देगा, है ना। चलिए एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, अगर आपने बुक नहीं ली है तो ये राजीव प्रकाशन की बुक है, किसकी, नवीन प्रकाशन की बुक है, इससे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, नवीन प्रकाशन की बुक है, 384 पेज नंबर है, सबके पास तो अलग अलग बुक होगी ना, तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे क्वेश्चन इस प्रकार का मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगे क्योंकि क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकट कीजिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो कह रहा है 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए और 1 कूलाम आवेश, आपको चार्ज पता चल गया, आपको यहाँ क्या पता है, सॉल्व कैसे करेंगे आप, बिल्कुल सॉल्व देखिए, आपको पता है क्या है, आपको क्यू पता है, कितना है कूलाम है, 1 कूलाम, कितना कूलाम है, 1 कूलाम, है ना। रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि एन बताना है, और ए की वैल्यू आपको गिवन है, ये आप जानते ही हैं, 1.6 10 की पावर -19 होती नहीं होती बताइए, यही तो होती है। अब देखिए क्यू इज इक्वल टू एनी, सबसे पहले फार्मूला लिखवाया था भाई, क्या समस्या आ रही है इसमें, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है भाई, देखिए क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, क्यू की वैल्यू कितनी है 1, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ई की वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इस 1.6 इंटू 10 की पावर 19 को इसके नीचे भेजेंगे तो आ जाएगा एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 10 की पावर -19, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एन इज इक्वल टू
6.25 × 10⁻¹⁸, है ना। और आप जानते हैं n इज इक्वल टू होता क्या है, n इज इक्वल टू होता है, अब कह रहा था एक कूलाम आवेश वाले ना, तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, हो गए 6.25 × 10⁻¹⁸ और इलेक्ट्रॉन, हो गया आंसर। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ना ये, तो नोट कर लें इसे जल्दी से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं जो कि बहुत ही आसान है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आपकी बुक में है। थोड़े से आगे पहले क्वेश्चनों का लेवल आपका छोटा रहेगा, फिर उसके बाद बड़ा रहेगा, तो आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसे रफ कर दें, इसे रफ कर दें, इसे रफ कर दें, हाँ ठीक, इसे क्या करते हैं, इसे रफ कर देते हैं ना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। भाई भाई 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को क्या क्या गिवन है चीज आपके पास, आपके पास गिवन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे से एनसीईआरटी पूछती है और बच्चे कर नहीं पाते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लगा लिए बच्चों, तो आप ये समझ लें कि सारी बुकों के न्यूमेरिकल आपके चुटकी हो जाते ही सॉल्व हो जाएंगे। तो 6 वोल्ट बैटरी है ना, तो V इज इक्वल टू कितना दिया गया, 6 वोल्ट, कितना दिया गया 6 वोल्ट, V इज इक्वल टू कितना दिया गया है 6 वोल्ट। अब क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि हर एक कूलाम आवेश, कितना कूलाम आवेश है, एक कूलाम, मतलब कि Q इज इक्वल टू कितना है 1 कूलाम, Q इज इक्वल टू कितना है, मैं आपको बिल्कुल इजीली समझा दूंगा, देखिए एक कूलाम है ना, कितनी ऊर्जा, तो ऊर्जा का मतलब W, ऊर्जा का मतलब W, और इसी को आपको क्या करनी है, फाइन करनी है ना, ऊर्जा का मतलब W यानी कि E, वही आपको फाइन करना है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला मैंने बताया था, ये को फार्मूला मैंने शायद दो नंबर तीसरे नंबर बताया है कि V इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q, क्या होता V इज इक्वल टू क्या होता है W अपॉन Q, यानी कि चलिए आप इस वाले Q को इस प्रकार से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल में लिख लें। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है W, तो W निकालना है, इसका मतलब कि Q को यहाँ भेजना पड़ेगा, V into Q is equal to W, और V की वैल्यू आप उठा के रख दें, V की वैल्यू कितनी है भाई 6 है, Q की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, तो W कितना आ गया बताइए 6, और इसकी जो यूनिट है उसे जरूर याद करें, ये आपका W भी है और ये आपका E भी है, क्योंकि आपसे E पूछ रहा था ऊर्जा, तो हमने क्या बताया था, कभी भी आपसे क्वेश्चन में ऊर्जा पूछे तो आप W निकाल के उसको दे दें, तो घबराएगा थोड़ा, वो तो पता ही है उसको ना कि वही वर्क जो होता है वही तो ऊर्जा है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला शायद मैंने बताया नहीं आपको। हाँ अभी तो मैंने बताया था ना आपको कि भाई जो हमारी एनर्जी होती है वो दो फॉर्म में, तो वर्क के फॉर्म में हो सकती है, तो हीट के फॉर्म में हो सकती है, कभी आपसे हीट पूछे तब भी आप यही फार्मूला लगा दें, कभी आपसे एनर्जी पूछे तब भी आप यही फार्मूला लगा दें, कभी आपसे वर्क पूछे तब भी यही लगा दें, और कुछ नहीं करना इसमें। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं जो कि बहुत आसान है, वो है, चलिए इसे जल्दी से रफ कर लेते हैं, इसे आप नोट कर लें, पहले जल्दी से आप इसे नोट करें, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें। जो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए, कि इन वन आवर क्या होता है कि 50 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल है, क्या है, है ना, आपके पास 50 वोल्ट विभवांतर है, तो आप करेंगे क्या, इसमें आपको ऊष्मा का प्रकलन करना है, तो ऊष्मा का प्रकलन करना है का मतलब आप कैसे सॉल्व करें, पहले जो चीज गिवन है उसे लिख लें, क्या पता आपके पास क्या है, आपके पास कुछ नहीं, अभी तो एक घंटे में इतने वोल्ट है, V इज इक्वल टू आपको पता है 50 वोल्ट, कितना है V इज इक्वल टू 50 वोल्ट, इतने कूलाम आवेश हैं, आपको Q भी गिवन है भैया, तो बहुत आसान सवाल हो गया है ना, इतने कूलाम, अब निकालना क्या है, ऊष्मा निकालना, मतलब आप W उनको निकाल के फटाक से दे दें और हमारा भी काम खत्म हो जाएगा और आपका भी काम तुरंत ही खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे फटाक से, क्या होता है
वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू एच अपॉन क्यू, आपको एच निकालना है तो क्यू को कहाँ भेजना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं भेजना पड़ेगा, क्यू को कहाँ भेजना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ देखिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका v इंटू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एच, है ना। अब v कितना है आपके पास, v आपके पास बिल्कुल आसान है 50 है, q कितना है 96, 1, 2, 3, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब लिख दूँ हीट ना, h लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, ऐसे करेंगे 5 6 30 के 0 कैरी कितना गया 3 चला गया, 5 9 45 और 45 और 3 तो 48 और 4 0 दिख रहे थे तो 1 2 3 4, है ना, इज इक्वल टू, फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका यह है कि आप इसे पॉइंट से पहले एक नंबर कर दें, यहाँ से कितने रूट जाएंगे, यहाँ से लास्ट में पॉइंट होता है 1 2 1 2 3 4 5 6, मतलब कि मैं 6 नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाऊँ। तो आप इसे लर्न कर लें, लेफ्ट हैंड साइड पे जाने पे पावर क्या होती है, वो इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखिए 4.8 इंटू 10 की पावर 6, और इसका भी वही है यूनिट जो कि वर्क की है, क्योंकि भाई वर्क ही तो डब्ल्यू, और वही एच है, वही ई है, तो सबकी यूनिट वही है। तो आप ये वाला क्वेश्चन नोट करें और फिर मैं अपना ये सेशन एंड करूं, और मुझे लगता है कि शायद आपको आई होप समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बच्चों को, उन बच्चों को ज़रूर बताएं जो कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझना चाहते हैं, उसे समझ में नहीं आता उन्हें। हमारी कोशिश यह है कि आपको शॉर्ट तरीके से किसी तरीके से समझाया जाए। देखिए 1 2 3 तो दिया गया था, मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया, वहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर दे दिया आपको। तो इस प्रकार से हमारा काम है समझाना आपको, और आपका काम है समझना, और फिर इसके